साथियों मैं आपको लेकर के चलता हूँ थार की नगरी के तलट में बचा छोटा सा गांव रेडाना। आपने टीवी में सुना होगा अमिताभ बच्चन बोलते थे कि आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैं कहता हूँ कि आपने राजस्थान के बाड़मेर में रेडाना नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आपको लेकर के चलता हूँ थार के रण रेडाना की ओर से, जहाँ आपको एक दिव्य और भव्य दृश्य दिखाता हूँ। हम लोग गोवा और बॉम्बे बीच किनारे तो नहीं गए, पर इस थार के रण को आकर के देखता हूँ तो अपने आप में बॉम्बे और गोवा से कम नहीं लगता है। साथियों ये थार बाड़मेर नगरी, जिसके लिए थार की नगरी कहा जाता है, मैं कहता हूँ कि आने वाले कल के हिंदुस्तान का ये दुबई से कम शहर नहीं होगा। उसी शहर का छोटा सा गांव रेडाना, जहाँ इस समय एक रेडाना का रण एक समुद्र की तरह जन हिलोरे ले रहा है, जिसमें समुद्र के पानी के साथ साथ हजारों की तादाद में दर्शकों का यहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ता है कि दिव्य और भव्य दृश्य आपको देखने को मिलता है। ये रेडाना का रण अपने आप में एक इतिहास के अध्याय में नया नाम अंकित करवाता हुआ, अपने आप के इतिहास में एक नई इबादत लिखता हुआ रेडाना का रण, जहाँ पर हजारों की तादाद में सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक मनमोहक दृश्य रेडाना के रण का आपको यहाँ पर दिखाई देता हुआ। ये रेडाना का रण, हम गरीब मेरी कैटेगरी के लोग कभी गोवा नहीं गए, हमने गोवा तो नहीं देखा पर गोवा से कम नहीं, हमने आकर के रेडाना देखा। ये बाड़मेर की धरती त्याग तपस्या बलिदान और सूरवीरों की धरती कही जाती है। इस धरती ने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम कायम किया। धरती ने आईजी संगाराम की धरती, यहीं से पैदा हुए, यहीं पर आईपीएस जगदीश बांगड़वा की धरती है, आईएएस जोगाराम जी की धरती है, तो ये मोहनपुरी जी बाप जी की तपोभूमि कही जाती है। ये बाड़मेर अपने आप में एक नया इतिहास लिखता हुआ समय रेडाना का रण, जो कि एक अलग ही पहचान बनाता हुआ है। ये रेडाना का रण, साथियों मैं आपको इसलिए लाइव आकर के रेडाना का रण दिखा रहा हूँ कि हम जैसे जो कि इस मारवाड़ की भौगोलिक विषम परिस्थितियों में निवास करते हैं, और उन परिस्थितियों में जो लोग बीच किनारे जाकर के आनंद नहीं उठा सकते, उनके लिए ये गोवा से और बॉम्बे से कम नहीं है इस समय, ये गोवा से भी ऊपर है। मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन और यहाँ के सरपंच महोदय का, जिन्होंने यहाँ पर माकूल व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, किसी तरह की कोई अनहोनी ना घटित हो जाए ऐसी व्यवस्थाओं को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। एक बेहतरीन दिव्य और भव्य दृश्य यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ये मारवाड़ की धरती हमेशा त्याग तपस्या और बलिदानों की धरती रही। मैं अपने अल्फाजों में हमेशा कहता हूँ, पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, डग भरतो मन डर पे, रंग हो राजस्थान, रंग हो राजस्थान। ऐसी मारवाड़ की दिव्य धरा रेडाना का रण इस समय हिलोरे लेता हुआ अथाग समुद्र की तरह, यहाँ पर आपको जहाँ दूर तलक तक नजर जाएगी वहाँ आपको समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा। ये रण यहाँ पर हम मारवाड़ियों के लिए और विशेषकर इस मारवाड़ के लिए कहा जाता था, अठे खून सस्तो और पानी महंगो है, उस पंक्तियों को यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में ला करके छोड़ दिया। यहाँ पर पानी का यह अथाग समुद्र अपने आप में नई इबादत लिखता हुआ एक बेहतरीन दृश्य यहाँ पर, जहाँ भी दूर तलक आपकी नजर जाएगी, मैं कैमरामैन जालम से कहना चाहूँगा कि जहाँ दूर तलक आपकी जहाँ भी नजर जाएगी, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कोई घुड़सवारी कर रहा है तो कोई ऊँट पर कैमल सफारी करता हुआ नजर आएगा। इस समय इस मनमोहक दृश्य का पूरा आनंद लेते हुए दर्शक, जो कि एक अलग सा बनता है, यहाँ पूरी समय बड़े बड़े रेत के टीलों ने हरियाली की चादर ओढ़ रखी है, जहाँ पर एक समय मई और जून में जहाँ पर तेज आंधियाँ चलती हैं, लू की चपेटें यहाँ पर इंसान को खड़ा नहीं होने देती, इतनी तेज गर्मी होती है, वहीं पर इस समय आप ये जहाँ दृश्य देखोगे कि वहाँ पर हरियाली की चादर ओढ़े हुए ये हमारे रेगिस्तान के रेतीले ढोरे अपने आप में नए इतिहास लिखते हुए यहाँ नजर आते हुए, यहाँ पर धीरे धीरे दर्शकों का हुजूम बढ़ता हुआ बहुत ही आयाम में यहाँ पर लोग पहुँचते जा रहे हैं। अपने आप में एक रेडाना का ऋण अलग ही पहचान बनाता हुआ। अमिताभ की उन पंक्तियों को मैं कई बार दोहराता हूँ, अमिताभ कभी टीवी में एड में कहा करते थे, आप कहीं भी घूम लिए कच्छ नहीं गए तो कहीं नहीं गए, पर साथियों आज मैं कहता हूँ कि रेडाना नहीं गए तो कहीं नहीं गए। आप लोग इस रेडाना के ऋण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस ऋण को आप सबके सामने ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का प्रयास करें, जो कि यहाँ पर हम गरीब लोगों का गोवा कहा जाता है, इस गोवा के आकर के वो यहाँ दर्शन करें, इस गोवा को आकर देखें कि ये रेडाना का ऋण हमारा गोवा और बॉम्बे के बीच कैंडी से कोई कम नहीं है। अपने आप में ये मारवाड़ का ही धरती एक नया इतिहास लिखती हुई आप देख सकते हैं, एक बेहतरीन दिव्य और भव्य दृश्य आपके बीच में दिखता हुआ। एक बार पुनः जितने भी मेरे साथ लाइव बंधु जुड़े हुए उनसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और ये
शहर वहाँ तक पहुँचना चाहिए जो पर्यटक नगरी, पर्यटक नगरी के कई अंश होते हैं, उसी तरह शहर को भी पर्यटक अधिकारियों तक पहुँचाए, पर्यटन विभाग तक पहुँचाए, जिसके रेडाड़ा एक पर्यटक स्थल बन जाए और हम कई लोगों के लिए नए रोजगार नवसर्जित हो जाए। ऋण के माध्यम से यहाँ कई नए रोजगार नवसर्जित हुए हैं, कई लोगों को एक अलग नए रोजगार मिल गए हैं। शायद वहाँ पर सरपंच साहब होंगे रेडाड़ा के, अगर वो दो मिनट आते हैं तो उनको बुला करके ले आ जाए, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा इस लाइव के जरिए कि आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं। उनकी व्यवस्थाओं को बहुत ही सही तरीके से अंजाम दिया गया, एक बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ पर दिखता हुआ। यही वो मारवाड़ की धरती जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मई जून में तो सूर्य आग उगलता है और लोग रेत पर भी पापड़ को पका देते हैं, पर आज ये वो धरती धरती नहीं रही। आप यहाँ पर वो धरती इस समय सोने से कम नहीं है। एक बेहतरीन दृश्य यहाँ पर दिखता हुआ, बहुत ही सुंदर, दिव्य और भव्य। कई लोग अपने ड्रोन कैमरे के सहारे यहाँ पर तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करते हुए एक बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिखाई देता हुआ। कुछ ही देर में हो सकता है कि मेरी बात यहाँ के सरपंच साहब से हो जाएगी तो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा यहाँ के सरपंच बंधु को, जिनसे कुछ बात करेंगे कि वो ऋण को लेकर के क्या करना चाहते हैं, ऋण के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कुछ ही देर में आपके बीच में अभी पहुँचने वाले हैं वो सरपंच साहब। क्या नाम है सरपंच महोदय का? नरपत सिंह राठौर। कुछ ही देर में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं सरपंच महोदय, जिनसे मैं बात करूंगा। इस ऋण के किनारे पर खड़ा होकर मुझे अपने आप में गौरव की अनुभूति महसूस होती है। मदन सिंह राजमसाई जी मेरे पास में पहुंच चुके हैं। नरपत सिंह जी, सरपंच रेडाना, मैं किन शब्दों में आपका स्वागत और अभिनंदन करूं कि आप एक सौभाग्यशाली सरपंच हैं जिसको इस तरह का एक दिव्य और भव्य गांव मिला, एक पर्यटन स्थल से कम नहीं, जो कि इस समय अपने आप में एक नई वक्त की इबादत दिखता हुआ। नरपत सिंह जी, मैं कहना चाहूँगा कि इस समय बेहतरीन दृश्य यहाँ पर, मैं कई बार इस लाइव में कह चुका हूँ कि हम गरीबों के लिए गोवा से कम नहीं, हम गरीब गोवा तो नहीं गए पर रेडाना का ऋण देखकर हमने गोवा और बॉम्बे की अनुभूति महसूस की है। मैं आपकी व्यवस्थाओं का कायल हो गया, आपने यहाँ पर दिव्य और भव्य व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, आपने राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों से लेकर के रेस्टोरेंट तक यहाँ पर खड़े करवा दिए। सरपंच महोदय, आप अगर इसको पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के दृष्टिपटल पर लाया जाए, हिंदुस्तान के दृष्टिपटल पर लाया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैं रूक रुक रहता हूँ यहाँ के सरपंच नरपत सिंह राठौर से। मेरा प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ थोड़ा सा पर्यटन विभाग बढ़ा हुआ दे, और प्रशासन से यही है कि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत, वैसे आप तक बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि नया ही हो, ठीक है। पर आपका, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके जज्बे को हमेशा पूरा होता, मैं मेरे अल्फाजों हमेशा कहता हूँ जी कि जो राह संघर्ष की चलता है, जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है, वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। आदरणीय नरपसा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका परिश्रम की पराकाष्ठा, आपके पसीने की गिरी हुई बूंद यहाँ पर मोती बनकर के निकलेगी। और मैं दावे के साथ कह देता हूँ कि आने वाला कल बीच कैंडी के दृश्य ये रेडाना का होगा, और आने वाला कल रेडाना का नई पर्यटन की दृष्टि से नया स्वरूप मिलेगा और यहाँ के लोगों को नए रोजगार मिलेगा। एक बार पुनः सरपंच साहब और तमाम यहाँ आए हुए लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूं। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी आपका